दोस्तों, आपने साल 2006 में आई सुपरहिट फिल्म विवाह तो जरूर देखी होगी। उसमें हमें शाहिद कपूर और अमृता राव की खूबसूरत जोड़ी देखने को मिली थी। फिल्म में अमृता राव ने एक संस्कारी बहू और बेटी का किरदार निभाया था, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया था, जिससे अमृता राव ने न सिर्फ पॉपुलैरिटी हासिल की बल्कि फिल्म में काम करने के बाद अमृता ने खूब धन दौलत भी अपने नाम कर ली। वेल, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको अमृता राव की प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ के बारे में बताने वाले हैं, जहां आप उनकी कुल संपत्ति से लेकर उनकी प्रेगनेंसी तक के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म विवाह में पूनम का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अमृता राव का जन्म 7 जून साल 1981 को हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कानोसा कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल से पूरी की थी। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए सोफिया कॉलेज फॉर वुमेन में एडमिशन लिया, लेकिन अपने मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2002 में आई फिल्म अब के बरस से हुई। उसके बाद अमृता राव ने अजय देवगन के साथ जीवनी पर आधारित द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में अभिनय किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। उसके बाद मई 2003 में राव ने फिल्म इश्क विश्क में शाहिद कपूर के साथ अभिनय किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म के बाद अमृता राव मस्ती, मैं हूं ना, वाह लाइफ हो तो ऐसी जैसी फिल्मों में नजर आई। इसके अलावा उन्होंने विवाह जैसी सफल फिल्म में भी काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने टीवी इंडस्ट्री के कई सीरियल्स भी किए हैं, लेकिन साल 2019 में आई फिल्म ठाकरे में काम करने के बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर को विराम दे दिया। इन्होंने इन फिल्मों में काम करते हुए कुल 95 करोड़ की संपत्ति अपने नाम की है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इन्होंने प्रॉपर्टी पर खर्च किया है। इनका मुंबई के अंधेरी में एक आलीशान घर है, जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई हैं। घर के आउटलुक को भी काफी बारीकी से सजाया गया है। इतना ही नहीं, उनके पास मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी महंगी कारें भी हैं, जिनमें वे अक्सर सफर करना पसंद करती हैं। वहीं अगर बात करें इनकी प्रेगनेंसी के बारे में, तो बता दें कि 15 मई साल 2016 को मुंबई में इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड आरजे अनमोल से शादी की थी। 1 नवंबर साल 2020 को दंपति ने अपने जीवन में एक बच्चे का स्वागत किया, जिसका नाम इन्होंने वीर रखा। प्रेगनेंसी के दौरान अमृता राव की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी। डॉक्टर्स ने यहां तक कह दिया था कि बच्चे और माँ में से किसी एक को बचाया जा सकता है, लेकिन खुशकिस्मती से दोनों सही सलामत बच गए। तो दोस्तों, आप एक्ट्रेस अमृता राव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।